नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मेहितपेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फाइनली एसएससी एमटीएस 2020 टीयर 2 का जो रिजल्ट है वो आपका पब्लिश किया जा चुका है। कितनी क्या कट ऑफ गई है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मैंने वीडियो बना के पहले ही आपको बताया था कि टीयर 2 के रिजल्ट में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस बार एसएससी थोड़ा सा चेंज हो चुकी है तो बहुत जल्द आपका टीयर 2 का रिजल्ट आएगा और आप लोग देख पा रहे होंगे कि टीयर 2 का जो रिजल्ट है वो आपका पब्लिश किया जा चुका है। तो यहाँ पे हम कट ऑफ के बारे में तो बात करेंगे कि हर एक स्टेट की कट ऑफ कितनी गई। उसके अलावा यहाँ पे मैं कंपैरिजन के साथ आपको समझाऊंगा कि टीयर 1 और टीयर 2 की कट ऑफ में हर एक स्टेट में कितने नंबर की इंक्रीजमेंट हुई। वहाँ से आप ये आइडिया लगा पाओगे कि टीयर 2 में कितना इंक्रीजमेंट हुआ और फाइनल के लिए आपको और कितनी बढ़त की जरूरत पड़ेगी, कितने नंबर आपके पास एक्स्ट्रा हों ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे हम मतलब जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये भी पता चल जाएगा कि टीयर 1 और टीयर 2 की कट ऑफ में किस स्टेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला। तो डिटेल में सारी चीज़ों पे बात करेंगे। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2020 कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर अपीयरिंग इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिन बच्चों को यहाँ पे बुलाया गया वो कितने हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे कि टोटल जो बच्चे मतलब यहाँ पे क्वालिफाई कराए गए हैं वो 9754 कराए गए हैं। ठीक है, जहाँ पे यूआर के कितने बच्चे हैं, इतने हैं। एससी के 818 हैं, एसटी के 692 हैं, ओबीसी के कितने 2462 है। ठीक है, यहाँ पर ये भी बताया गया है कि 46 जो हैं वो एससी के और 23 एसटी के और 1529 ओबीसी के और 582 जो हैं वो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट जो हैं वो किसकी कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं, यूआर की कट ऑफ को। ठीक है, समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो रिज़ल्ट पब्लिश किया गया है वो 2.5 गुना बच्चों का रिज़ल्ट दिया गया। आपको पता है कि 4000 से कम आपकी वैकेंसी हैं तो 2.5 गुना के आसपास यहाँ पे बच्चों को क्वालिफाई कराया। अभी इनका डीवी होगा, देन आपका फाइनल जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे काम की बात है वो ये है कि कट ऑफ में कितना डिफरेंस आया। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे बिहार की कट ऑफ कितनी गई है टीयर 2 की। देखो एसटी की कट ऑफ कितनी है 89.35, उसके अलावा बिहार की ओबीसी की कट ऑफ कितनी है 93.25, जबकि बिहार की ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी वो टीयर 1 की कितनी गई थी 91.44 गई थी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे 2 नंबर कट ऑफ आपकी इंक्रीज़ हुई। ऐसे यूआर की कितनी गई है 94.29। ठीक है, और टीयर 1 की कितनी गई थी आपकी 93.06, यानी कि यहाँ पे 1 नंबर का यहाँ पे इजाफा हुआ। ठीक है, ऐसे आप यूपी की देखो, यूपी की यूआर की कट ऑफ कितनी गई है, मैं यूआर का आपको बताऊंगा, बाकी सभी का आप डिटेल में देख पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मैं आपको एक आइडिया दे सकूं कि कट ऑफ कितना क्या इंक्रीज़ हुआ और अभी कितना और इंक्रीज़ होगा आपका। ठीक है, यूआर की जो कट ऑफ यूपी की गई है वो कितनी गई है 86.58, जबकि टीयर 1 में जो यूपी की कट ऑफ थी वो यूआर की कितनी थी 81.47, यानी कि कितनी कट ऑफ इंक्रीज़ हो गई आपकी 5 नंबर जो है वो कट ऑफ इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, ऐसे झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड की यूआर की कट ऑफ कितनी गई 87.06। ठीक है, जबकि टीयर 1 की झारखंड की कट ऑफ जो थी वो कितनी थी आपकी 82.07। ठीक है, तो कितना नंबर इंक्रीज़ हो गया आपका 5 नंबर जो है कट ऑफ यहाँ पर भी इंक्रीज़ हो गए। ठीक है, ऐसे ओडिशा की आप देखो, ओडिशा की यूआर की कट ऑफ कितनी गई है 82.34, जबकि टीयर 1 की ओडिशा की कट ऑफ कितनी गई थी 75.43। ठीक है, और यहाँ पे कितनी है आपकी, यहाँ पे है 82.34, यानी कि 7 नंबर के आसपास आपकी कट ऑफ इंक्रीज़ हो गई। मैं मोटा मोटी आपको बता रहा हूँ। ऐसे वेस्ट बंगाल की देख लो, यूआर की जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है 82.29, जबकि टीयर 1 की कट ऑफ कितनी गई थी आपकी, वेस्ट बंगाल की टीयर 1 की जो कट ऑफ गई थी वो 81.31 गई थी। ठीक है, और यूआर की कितनी अभी इसमें कितनी गई 86, यानी कि 5 नंबर कट ऑफ यहाँ पर भी इंक्रीज़ हो गया। कर्नाटका की आपको पता होगा कि कर्नाटका की सबसे कम कट ऑफ गई थी, यहाँ पे देख लेते हैं कितना चेंजेस आपका हुआ। ठीक है, कर्नाटका की यूआर की अगर आप कट ऑफ देखो, कर्नाटका की यूआर की कट ऑफ देखो तो कितनी है 77.80 है। ठीक है, और कर्नाटका की कितनी गई थी टीयर 1 की कट ऑफ कितनी गई थी 68.26, तो यानी कि यहाँ पे कट ऑफ जो है वो कर्नाटका की कितनी बढ़ गई आप लोग देख पा रहे होंगे, 9 नंबर जो है वो 9 से ज़्यादा कट ऑफ आपकी इंक्रीज़ हो गए। ठीक है, इस तरीके से केरला की आप देखो, केरला की यूआर की कट ऑफ कितनी गई 85.59। ठीक है,
जबकि टीयर वन की केरला की कट ऑफ जो थी वो कितनी थी आपकी 79.50 थी, ठीक है 79.50 थी, तो कितनी बढ़ गई आपकी 6 नंबर कट ऑफ यहाँ पर बढ़ गई। ठीक है, ऐसे ही छत्तीसगढ़ की देखो आप तो यूआर की कट ऑफ कितनी गई है 82.32, ठीक है, जबकि टीयर वन की जो कट ऑफ थी छत्तीसगढ़ की वो थी 77.18, ठीक है 77.18, यानी कि यहाँ पे कट ऑफ जो है वो भी 5 नंबर आपकी जो है वो इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, ऐसे आप एमपी की देखो, एमपी की यूआर की कट ऑफ कितनी गई 85.46, ठीक है, जबकि एमपी की टीयर वन की जो कट ऑफ थी वो 79.90 थी, ठीक है, यानी कि कट ऑफ कितनी बढ़ गई आपकी 6 नंबर जो है वो कट ऑफ आपकी इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, ऐसे असम में देख लो आप, असम की कट ऑफ यूआर की कितनी गई 81.16, ठीक है, जबकि असम की टीयर वन की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 73.84, ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कितने नंबर का यहाँ पे इजाफा हुआ है, 8 नंबर का यहाँ पे इजाफा हुआ है। ठीक है, और मेघालय की अगर देखें तो मेघालय की यूआर की कट ऑफ कितनी है, मेघालय की यूआर की कट ऑफ कितनी गई 80.79, जबकि टीयर वन की जो कट ऑफ थी मेघालय की वो 73.78 थी। ठीक है, यानी कि कितने नंबर इंक्रीज़ हो गए आपकी कट ऑफ, 7 नंबर आपकी कट ऑफ इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, नागालैंड की देखो, नागालैंड की जो यूआर की कट ऑफ गई है वो आपकी कितनी गई 79.87, जबकि टीयर वन की आपकी कट ऑफ कितनी गई थी 72.38, यानी कि कितनी कट ऑफ आपकी इंक्रीज़ हो गई, 7 नंबर यहाँ पर भी इंक्रीज़ हो गए। ठीक है, ऐसे आप दिल्ली की देखो, दिल्ली की यूआर की कट ऑफ आपकी कितनी गई है, दिल्ली की यूआर की कट ऑफ 83.40 गई, ठीक है, जबकि आपकी दिल्ली की जो टीयर वन की कट ऑफ थी वो 76.38 थी, यानी कि कितने नंबर कट ऑफ इंक्रीज़ हो गए, 8 नंबर आपकी कट ऑफ इंक्रीज़ हो गए। ठीक है, ऐसे ही राजस्थान की देखो, राजस्थान की जो कट ऑफ है वो कितनी है, यूआर की कट ऑफ कितनी गई 83.89, जबकि टीयर वन की जो कट ऑफ थी वो राजस्थान की कितनी गई थी 78.74, ठीक है, यानी कि कितने नंबर कट ऑफ आपकी इंक्रीज़ हो गई, 5 नंबर यहाँ पे भी कट ऑफ इंक्रीज़ हो गए मोटा मोटी। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की यूआर की कट ऑफ कितनी है 85.40, ठीक है, जबकि टीयर वन की कट ऑफ उत्तराखंड की कितनी गई थी 81.24, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी इंक्रीज़ हो गई, 4 नंबर यहाँ पर भी इंक्रीज़ हो गए। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ की यूआर की कट ऑफ कितनी गई 96.65, ठीक है, और टीयर वन की कट ऑफ चंडीगढ़ की कितनी गई थी 88.33, यानी कि कितनी कट ऑफ आपकी चंडीगढ़ में इंक्रीज़ हो गई, तो आप लोग देख पा रहे होंगे 8 नंबर के आसपास आपकी कट ऑफ जो है वो इंक्रीज़ हो गई। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यूआर की कट ऑफ कितनी गई है 86.32, और टीयर वन की यहाँ पे जो कट ऑफ थी वो कितनी गई थी 80.89, ठीक है, तो कितने नंबर बढ़ गए, 6 नंबर कट ऑफ आपकी इंक्रीज़ हो गए। ठीक है, हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा की कट ऑफ कितनी गई है 86.93, जबकि हरियाणा की टीयर वन की जो कट ऑफ थी वो 78.25 थी, ठीक है, और यहाँ पे कितनी हो गई 86.93, तो आपकी कट ऑफ कितनी इंक्रीज़ हो गई, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ है वो 8 नंबर इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, ऐसे हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पे यूआर की कट ऑफ कितनी गई है 82.17, जबकि टीयर वन की कट ऑफ यहाँ पे कितनी थी 76.55, तो यहाँ पे कट ऑफ आपकी कितनी बढ़ गई, 8 नंबर 6 नंबर यहाँ पे भी आपकी कट ऑफ इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, ऐसे पंजाब की बात करें तो पंजाब में यूआर की कट ऑफ कितनी गई है 82.26, ठीक है, पंजाब में टीयर वन की कट ऑफ कितनी गई थी 76.11, यानी कि कट ऑफ आपकी कितनी इंक्रीज़ हो गई, 6 नंबर यहाँ पर भी इंक्रीज़ हो गए। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की कट ऑफ कितनी गई है 83.38, और टीयर वन की कट ऑफ आंध्र प्रदेश की कितनी थी 78.61, यानी कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी बढ़ गई, यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे होंगे 5 नंबर कट ऑफ बढ़ गए। ठीक है, ऐसे ही तमिलनाडु, पुडुचेरी और तेलंगाना सभी की आप लोग कट ऑफ देख पा रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये है, मैंने मैक्सिमम आपको बता दिया, जो कम से कम मतलब इंक्रीजमेंट हो रहा है वो 5 नंबर का हो रहा है, और जो मैक्सिमम बढ़ी है कट ऑफ वो 9 से 10 नंबर भी बढ़ी है। ठीक है, ये टीयर टू की है। ठीक है, उसके अलावा अभी जब यहाँ पे डीवी होगा, 2.5 गुना बच्चों को बुलाया गया है, तो जाहिर सी बात है अभी आप अगर ऊपर यहाँ पे देखो रिजल्ट को, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो यूआर में क्वालिफाई, आप लोग खुद देख सकते हैं, वैकेंसी अगर देखी जाए तो इतनी वैकेंसी है आपकी। ठीक है, देखो यहाँ पे 1529 बच्चे यहाँ पे हैं, 582 यहाँ पे हैं, 23 यहाँ पे हैं, 46 यहाँ पे हैं, तो इतने ज़्यादा बच्चे जो हैं वो अदर कैटेगरी के यूआर में क्वालिफाई हैं, तो आप लोग खुद देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि डीवी के बाद भी आपका जो फाइनल कट ऑफ है वो बढ़ेगा, तो इसका मतलब है
कि अभी आपके पास और बेटेज होना चाहिए। तो फाइनल कट ऑफ कितनी किया जाएगी उसके बारे में डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे, अगला वीडियो लेके आएंगे। करता हूँ कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे, जो रिजल्ट का मैंने कंप्लीट एनालिसिस किया उसे आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, आपको एक आइडिया लग गया होगा। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।